हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रमीज नीट बायोलॉजी क्लासेस में। आज के वीडियो सेशन में हम लोग अपने कैप्सूल सीरीज़ के 10th वीडियो की बात करेंगे, जिसमें हम लोग रिवाइज करने वाले हैं इनफर्टिलिटी एंड ARTs, दैट इज असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज के वीडियो का इनफर्टिलिटी एंड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना होगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनफर्टिलिटी, ये इनफर्टिलिटी होती क्या चीज़ है। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चों अनेबल टू कंसीव और प्रोड्यूस चाइल्ड इवन आफ्टर 2 ईयर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन। इसको हम लोग कहते हैं इनफर्टिलिटी। व्हाट इज इनफर्टिलिटी, इट इज द इनएबिलिटी to conceive or produce child even after unprotected sexual कोहैबिटेशन फॉर 2 ईयर्स इज नोन एज इनफर्टिलिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम लोग इनफर्टिलिटी कहते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं रीजंस की कि इनफर्टिलिटी के रीजंस क्या हो सकते हैं, तो इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे इट कुड बी फिजिकल रीजन, इट कुड बी साइकोलॉजिकल रीजन, इट कुड बी कॉन्जेनाइटल रीजंस, इट कुड बी डिजीजेस, इट कुड बी by the use of drugs, or it could be immunological reasons. इनमें से कोई भी reason हो सकता है। उसके बाद जब ये infertility है, तो आज के समय में बेटा हमारे पास ऐसे equipments, हमारी medical science इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि हम लोग infertility के बाद भी couple जो है ये pregnancy करा सकता है, यानी कि ये प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकता है, यानी बच्चा पैदा कर सकता है। इसके लिए जिन इक्विपमेंट्स या जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। इट कुड बी द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कुड बी यूज टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज में जो 4 मेजर चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, दे आर नंबर 1 टेस्ट ट्यूब बेबी, नंबर 2 आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नंबर 3 गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र और जिफ्ट, एंड द नंबर 4 इज इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, दैट इज़ ICSI। और चलिए जल्दी से हम लोग इन ARTs के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, दैट इज़ द टेस्ट ट्यूब बेबी। टेस्ट ट्यूब बेबी इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है उसको लेबोरेटरी में कराया जाता है, यानी मेल की बॉडी से स्पर्म को ले लिया जाता है, फीमेल की बॉडी से ओवम या एग को ले लिया जाता है, और इसको फ्यूज कराया जाता है लेबोरेटरी में। और एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन हम लोगों को क्या मिल जाता है, जाइगोट मिल जाता है। और ये जाइगोट हम लोग या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं या तो यूट्रस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब इस जाइगोट को हम लोग फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करते हैं, तब हम लोग इसको कहते हैं
देन इट इज नोन एज जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, और जब इस जाइगोट को हम लोग यूटरस में ट्रांसफर करते हैं तब हम लोग इसको कहते हैं इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी। यहां पर क्या करते हैं, देयर इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यहां पर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, दैट इज स्पर्म एंड ओवम आर फ्यूज्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में बच्चों स्पर्म और ओवम का फ्यूजन कराया जाता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन वी ऑब्टेन जाइगोट। हमको किस चीज़ की प्राप्ति होती है, जाइगोट की प्राप्ति होती है, और इस जाइगोट को हम लोग या तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं या फिर इस जाइगोट को हम लोग यूटरस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। चलिए देखते हैं कब इसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है और कब इसको यूटरस में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो जाइगोट हमारा बना, अगर ये लेस देन 8 सेल स्टेज में है, दैट इज़ इफ़ इट इज़ इन लेस देन 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज, अगर यहाँ इस जाइगोट में लेस देन 8 ब्लास्टोमियर्स हैं और लेस देन 8 सेल्स हैं, देन इट इज़ ट्रांसफर्ड इन टू द फैलोपियन ट्यूब। तब इसको बच्चों हम लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को, और इस प्रोसेस को कहा जाता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, दैट इज़ ज़िफ्ट। और यदि इस जाइगोट को हम लोग मोर देन 8 ब्लास्टोमेरिक स्टेज में ट्रांसफ़र करते हैं तो इसको ट्रांसफ़र किया जाता है यूटरस में, एंड द प्रोसेस इज नोन एज इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज IUT। तो इस तरह से टेस्ट ट्यूब बेबी को बनाया जाता है। अब अगली बात करते हैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी कौन सा था, विच वॉज द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी। बच्चों दुनिया का पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो बनाया गया था, इट वॉज प्रिपेयर्ड इन इंग्लैंड, इसको इंग्लैंड में बनाया था, किसने बनाया था, बाई डॉक्टर स्टेप्टो एंड डॉक्टर एडवर्ड्स। डॉक्टर स्टेप्टो और डॉक्टर एडवर्ड्स ने इनको बनाया था, और इनका नाम था, हिज नेम वॉज लुइस जोआय ब्राउन। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया के फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी की, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया, तो इंडिया में थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन मिलता है। कुछ लोगों का मानना है इंडिया की पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो थी शी वॉज कुमहर्षा और कुमारी हर्षा थी, जबकि कुछ लोगों का मानना है द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी इन इंडिया वॉज कनुप्रिया अग्रवाल। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल थी। कुमहर्षा का फॉर्मेशन, दैट इज यहां पर इमिट्रो फर्टिलाइजेशन जो कराया गया था, दैट वॉज डन बाई डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। इट वॉज डन बाई डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा, जबकि कनुप्रिया अग्रवाल के जाइगोट को तैयार किया था डॉक्टर सुभाष मुखर्जी ने। तो इतनी चीज़ें हैं जो हम लोगों को टेस्ट ट्यूब बेबी के केस में याद रखनी है। अगला जो ART आता है, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंसेमिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, और आर्टिफिशियली का मतलब होता है बाय ह्यूमन, जहाँ पर ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, मेडिकल साइंस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो वो आर्टिफिशियल कहलाएगा। तो यहाँ पर इसको पहली बात तो किस में परफॉर्म करते हैं, इट इज़ परफॉर्म्ड
इन मेल्स विद ओलिगोस्पर्मिया, ऐसे मेल्स जिनमें ओलिगोस्पर्मिया होता है, इनको अगर प्रेगनेंसी कंसीव कराना है तो हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की हेल्प लेते हैं। ओलिगोस्पर्मिया मींस लो स्पर्म काउंट, लो स्पर्म काउंट। और नॉर्मल स्पर्म काउंट हमारी बॉडी में जो होता है, दैट इज़ अबाउट 200 to 300 million स्पर्म्स विच आर इजैकुलेटेड ड्यूरिंग द सिंगल क्वाइटस और सिंगल इजैकुलेशन। यहाँ पर क्या करते हैं, स्पर्म को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ पर, स्पर्म्स आर ट्रांसफर्ड इधर इनटू द वजाइना और इनटू द यूटरस ऑफ द फीमेल। अगर यूटरस में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसको हम लोग इंट्रा यूटराइन ट्रांसफ़र भी बोल सकते हैं। इस प्रोसेस को कैसे किया जाता है, यहाँ पर इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है, द प्रोसेस इज रिपीटेड फॉर 2 to 3 times पर डे, एक दिन में लगभग 2 to 3 times आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है, फॉर द पीरियड ऑफ ओवर 2 to 3 days, 2 to 3 times आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाएगा, कितने समय तक, फॉर ओवर द पीरियड ऑफ 2 to 3 days। द प्रोसीजर इज रिपीटेड 2 to 3 times over the period of 2 to 3 days। और बच्चों यहाँ पर बेस्ट रिजल्ट्स कब मिलते हैं, बेस्ट रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ द स्पर्म काउंट इज मोर देन 10 million। एक नॉर्मल कंडीशन में 200 to 300 million स्पर्म ट्रांसफ़र किए जाते हैं, और बोला जा रहा है एटलीस्ट वो जो मेल है जिस जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसका सीमेन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है फीमेल की बॉडी में, उसके सीमेन में कितने स्पर्म्स होने चाहिए, एटलीस्ट मोर देन 10 million स्पर्म्स अगर होंगे तब बेस्ट रिजल्ट्स ऑब्टेन होने के चांसेस रहते हैं। तीसरा आता है बच्चों गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ये गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र नाम से ही क्लियर हो रहा है, गैमीट का मतलब होगा यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, स्पर्म और ओसाइट को, स्पर्म एंड ओसाइट दे आर ट्रांसफर्ड विद इन, यानी कि किसके अंदर, विद इन द फैलोपियन ट्यूब। यहां पर स्पर्म एंड ओसाइट आर ट्रांसफर्ड विद इन द फैलोपियन ट्यूब, और फैलोपियन ट्यूब किस में होता है, फीमेल्स में होता है, ऑफ द फीमेल। और यहाँ पर ख़ास बात क्या है, फर्टिलाइजेशन कैसा है बच्चों, फर्टिलाइजेशन इन वीवो है, दैट इज़ इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन फीमेल की बॉडी में ही होता है। जब स्पर्म और ओवम दैट इज सेकेंडरी ओसाइट स्टेज में ओवम या एग को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में, तो वहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, और उसके बाद नॉर्मल डेवलपमेंट होने लगता है। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ क्या होती है, दैट इज़ द इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन का मतलब होता है यहाँ पर स्पर्म, सिंगल स्पर्म विच वी कॉल एज स्पर्मेटोजून इज इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओसाइट। कौन सा ओसाइट है ये बच्चों, इट इज बेसिकली द सेकेंडरी ओसाइट। यहाँ पर स्पर्मेटोजून या कभी कभी हम लोग और इवन स्पर्मेटिड को भी ले लेते हैं, ठीक है, स्पर्मेटोजून
या स्पर्मेटिड को ट्रांसफर कर दिया जाता है या डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है एग दैट इज सेकेंडरी ओसाइट के साइटोप्लाज्म में बाय पेनिट्रेटिंग द जोना पेलुसिडा। यहां पर किसके थ्रू करते हैं? बाय पेनिट्रेटिंग द जोना पेलुसिडा, पेनिट्रेटिंग, और यू कैन से बाय पंक्चरिंग द जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा को पंक्चर करके स्पर्मेटोजून या फिर स्पर्मेटिड को सीधे किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है? ओसाइट दैट इज एग के साइटोप्लाज्म के अंदर, और वहां पर दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं और एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद क्या होता है? नॉर्मल डेवलपमेंट होता है, उसको बॉडी में ट्रांसफर कर देंगे, स्पर्म इंजेक्शन करके बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उसके बाद नॉर्मल डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने ARTs के बारे में पढ़ा। इतना बेसिक नॉलेज, एटलीस्ट इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए इफ़ यू आर गोइंग टू अपियर इन नीट 2021, और इतने नॉलेज के बिना ARTs के क्वेश्चंस आपको ज़रूर प्रॉब्लम करें जो पूरा देखा है। तो आई होप कोई भी क्वेश्चन ARTs का या इनफर्टिलिटी का इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, और हमारे चैनल को लाइक करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। थैंक यू।